वाराणसी से आज से शुरू होगा दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। 51 दिनों में 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा का होगा सफर। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन। 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के अस्पताल में ली आखिरी सांस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राजौरी के डागरी गांव में आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ करेंगे चर्चा। दिल्ली के कंझावला केस में गृह मंत्रालय की सख्ती। सूत्रों के मुताबिक रास्ते में तैनात पीसीआर वैन के पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के दिए निर्देश। आरोपियों पर धारा 302 के तहत दर्ज हो सकता है मुकदमा। महाराष्ट्र के पास शिरडी के पास हाईवे पर बड़ा हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा यात्री इसमें घायल। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 6 यूट्यूब चैनलों पर लगाया प्रतिबंध। फर्जी खबरें दिखाने के आरोप में कार्रवाई। प्रतिबंधित चैनलों के थे करीब 20 लाख सब्सक्राइबर। पूरे उत्तर भारत में मौसम ने बढ़ाई मुसीबत। मैदानी इलाकों में ठंड से ठिठुरे लोग तो कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। और इस वक्त एमवी गंगा विलास क्रूज जो देखिए थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिससे रवाना करने वाले हैं उस क्रूज के ऊपर इस वक्त मैं मौजूद हूं। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये रूफ टॉप है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा इससे पहले भी होती रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जरूर जो विदेशी पर्यटक है वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। वो जो सामने कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में हरी झंडी दिखाएंगे इसे यहाँ। पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से उनके स्वागत भाषण का अनुरोध करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, नमस्कार। आज इस कार्यक्रम के